आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगभग 65 गौवंश के शव मिलने के बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक आवेदन मिला है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 26 मार्च 2024 को जमा कराया गया था। इस आवेदन को हम आपको दिखा रहे हैं। इस आवेदन में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद भी 26 मार्च को ये आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। पावती इसमें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी गई है। आइए हम सुनाते हैं एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है इस वीडियो में। कहाँ गए? कहाँ पे? पुतर्रा। और पहले भी ले गए थे? पहले भी नहीं। कौन लेके जा रहा था? पूरा नाम बताना। याद आओ कितनी गई थी? 6-7। गाड़ी किसकी थी? हुसू। कौन? जय मतरा। उनको खेत में घुस रही थी ना। पहले इस तरफ घूम, जो पूछ रहे हैं ठीक से क्यों नहीं बता रहा। गाड़ी किसकी थी? पूरा नाम बताओ उसका। भाई जान है। कैसे कलर की गाड़ी थी? गाड़ी सफेद कलर लाइट लगी। कौन सी वाली गाड़ी? पिकअप है। कितनी गाय थी उसमें? 5-6-7 गाय थी। कोकलाल भैया खुद लेके जा रहे थे? बोल रहे थे पुलिस वाले से बात कर लिए। क्या बोल रहे थे? बात कर ले जा रहे हैं पुलिस वाले। इधर से पकड़े थे शेर भाई। कौन ने पकड़ा था? नहीं। अमन जैन लोग ने? नहीं। अच्छा, तो क्या बोले, हमारी पुलिस वालों से बात हो गई, ले जा रहे हैं? तू भी जाता है साथ में? जाते कई बार अभी बस। तो पुतर्रा में किसको छोड़ के, कहाँ पे छोड़ के आया? तेरा क्या नाम है? तो पिताजी का? संतोष सैन। ये वीडियो भी कुछ समय पहले का है और घनसौर क्षेत्र का ही ये वीडियो है। घटना भी घनसौर क्षेत्र के आसपास ही घटित हुई है। पुलिस को ये सारी जानकारियां क्यों नहीं है? पुलिस का सूचना तंत्र, सूचना संकलन आखिर इतना कमजोर क्यों है? एक वीडियो और हम दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कितने ट्रक तुमने यहाँ से ले गए हो गाय? गाय एक भी नहीं लेगा। कोकलाल वाले नहीं लेगा। भैया भी चलाता है, छोटा वाला? बड़ा वाला निक्की पवन जैन चलाता है। नहीं, इसमें ले गया है। इसमें? इस गाड़ी नहीं लेगा, स्कूटर में चलाता हूँ। अभी भरे थे फिर? अभी कल परसों हमने वापस उतार दी। कहाँ बता दी? बड़ी पीढ़ी। किसकी गाय थी वो? उसी की, उनने खेत से पकड़ा था। तो थी किसकी वो? मुझे नहीं मालूम, मेरे को उसने बोला मेरे को छोड़ना है यहाँ पे, पानी में ले जाना। कितनी गाय थी? नहीं सुनो, तो तुम डर का रहे हो। हम न तुम्हारा कहीं गवाही में नाम आना, न कुछ आना। नहीं, हम नहीं डर पाते, बिल्कुल भी नहीं डर। सुन तो लो, गुड्डू भैया हैं, उन्होंने बताया कि आकाश बता रहा था कि 4-5 बार पहले भी ले गए। नहीं नहीं, छोड़ के आए हैं वहाँ। नहीं, ये गलत है। ये घटना कब की है जो गाड़ी पकड़ी थी अमन जैन ने? पकड़ा परसों के दिन। कहाँ पकड़ा था? हम घर से भर रहे थे गैया। हाँ, शनि मंदिर के पास। हाँ, फिर तो उसके बाद हमने खाली करवा दी तुरंत। कहाँ खाली करवाया? बड़ी पुलिया पर। हम वापस आ गए थे। नहीं, फिर जानकारी तो ये है कि कहीं फिर छोड़ के आए और फिर गाड़ी वाड़ी धो के? नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे कि इतनी गैया गई है ना। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक और वीडियो भेजा गया है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किस तरह की है आप सुनिए। अगर ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास जून माह में पहुंचा है तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास ये पहले पहुंच चुका होगा। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, प्रश्न चिन्ह यही है। हेलो। हाँ अरे, हम कह रहे कछु डाले होगा? हाँ, फेसबुक में डाला है ना। क्या डाला है? हमारे नाम भी डाले। हाँ, तुम्हारी गाड़ी से गए थे करके। हाँ बताओ। अच्छा भैया, अब यार कोई को फोन आओ क्या, तुम्हारा नाम डालो यार। नहीं, नाम ऐसे नहीं डला है। हाँ, तुम्हारा है, अमन जैन का है। अच्छा। फला फला ऐसे है, ऐसा नहीं डला है कि हुस्सू लेके जा रहा था, हुस्सू ने गाय चुराया। गाय तो कोकलाल ने चुराया। नहीं, अपने पास का है, प्रूफ भी है, समझ रहे ना। हाँ,
अपन ने कोकला से जे बोले भैया कोकला ने बोलो गाड़ी ले जा गये ले जाने है हाँ। तो अपन ने बोले भैया कहाँ ले जाने है तो हमने बोले जंगल छोड़न जा है तो कहीं छोड़न जाने है हाँ। तो हमने बोले भैया थाने से लिखवा लिए तो हमने बोले हमारे पास सब प्रूफ है तो भाई अपने पास जब पूछ कछ हुआ तब कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा ले अपन हमने कोकला से फोन लगा के बोले भैया हमने बोले अगर हमारा नाम है हम गांव में हैं तो हमें नहीं बात ना भैया रुको आज आज तुम व्यापार कर रहे हो आओ अपनी व्यवस्था से कर रहे हो ना कि हमारे यहाँ कुत्ता मुंह ना मारे कोई जानवर मुंह ना मारे व्यवस्था से कर रहे हो ना हाँ। आप खेती कर रहे हो तो आप अपनी व्यवस्था बनाओ ना नहीं और हमने पूछे भी यार हमने लिखवा ओके दूसरे दिन हमने क्या नाम है तो गोटे गाँव से कही लेके आए हाँ लिखा पड़ी भाई सब थाने से लिखवा करते हो हाँ चूतिया बना था नहीं जो जनवरी में ले गए थे ना एक गाड़ी और ठीक वो जो हाँ। लड़का है ना रमन हाँ। रमन सेन हाँ। तो जनवरी के महीने में जो ले गए थे फर्स्ट महीने में उस समय हाँ। भी पुलिस ने ना इनकी गाड़ी रोक ली थी मगर हाँ। ये इनने बोल दी कि नहीं नहीं वो पुलिस वाले तो लिखित में हमारे पास और हाँ। लेके चले गए ये दूसरे वाले ट्रक है ना जो दूसरा एक और मारे इनने फिर ठीक और उसके बाद ये तीसरे ट्रक में अमन अमन जो इन लोगों ने पकड़ लिए अच्छा कहने का चाहिए यार हुच्चू की बेजोबान जीव है यार नहीं वो तो ठीक सुनो तो भैया अपन जैसे कोई भी आज जैसे तुम फोन लगाए ना कि भैया गाड़ी चाहिए हाँ कहाँ जाना है गई है छोड़न तुमने भैया थाने से लिखवा लाए तुम बोलो हाओ हम पहुँचा है भैया और हमने जो भी नहीं बोले कि हमारा ड्राइवर जा है हमने जो बोले भैया आप साथ में जाने का आएगी ताकि जोन की गैया रहे तो भैया गैया में चला लेता समझ रहे ना हमने बोले भैया साथ में जाओ साथ में आओ तो उस दिन को बुला साथ ही में रहो पूरे ट्रपो में साथ में ही रखो साहू जो ये ट्रप का हो जो दूसरा ट्रप आए हमें तो जो ही पता है एक और मार रहे थे इनने पहले नहीं एक ही मारे है हमारी गाड़ी में जो दूसरा रहो हाँ ठीक है ऐसे कोई ऐसे दिमाग में मत लाओ कोई ऐसी नहीं तो मैं नौ बताई तो बाबा बनना नहीं लेकिन जो रहे थे यार कहीं का भाई घर में पता चला ना उन्होंने बोले जो कब तक रहने के तुम नहीं कह रहे थे नहीं लेकिन हमने सोचन लगा था ना कहीं यार बदनामी टाइप तुमने बोले यार रस्तों काम धाम करत करत बताओ भोकट की लचांड भोकर है कोई भुगत है कोई वाली कहानी नहीं हुस्सु और अपने हाँ। अपने को इतना अधिकार किसने दे दिया यार कि अपन जानवरों को भर के जंगल में छोड़ दें या कहीं छोड़ दें अपन छोड़ भी रहे ना थाने हाँ। में लिखवा लो थाने हाँ। में लिखवा दो ना भैया हमने तो हाँ। सब जो पूछे भैया हाँ। आपने थाने में बताए उन्होंने बोले सब लिखे पड़ी थे भाई लिखा पड़ी है तो चलो फिर सर तुम भी क्या कहो कोई पत्रकार का कह रहे का पुलिस वाले भाई लिखा ही लो थाने से लिखवा रहे हैं वही तुमने उनसे बोले लिखा पड़ी हो तो चलो भैया ना वो बन के बना दो चूती है समझ रहे मैं ठीक है कहाँ हम घर ही में हैं अब भाई आए हमारा भी स्लैब डल रहा था आज घर में अच्छा हाँ। अब भाई कोई ने फोन लगा के बताओ यार जा जाए ऐसी बात हमने देखे भी नहीं है जबकि खोल के आज नहीं तुम खोल लेना ना संदीप सोनी की आईडी खोल लेना हाँ। संदीप सोनी कौन अच्छा उन्होंने को बछड़ा घुमो उन्होंने डाल हुआ था हाँ, हाँ, उसमें अपने कमेंट है ठीक है ठीक है ठीक है सोनी जी इस पूरे मामले में जो भी जांच हो रही है उस जांच में पता नहीं ये वाला जो हमने आपको दिखाया जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक पत्र मिला है आवेदन मिला है जो 26 मार्च को भेजा गया है उसके बाद अप्रैल पूरा बीत गया मई पूरा बीत गया और जून भी लगभग बीतने को है जिला पुलिस अधीक्षक निवृत्तमान जिला पुलिस अधीक्षक आखिर क्या करते रहे उनके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी पावती होने के बाद और घनसौर क्षेत्र में के लोगों का ये भी कहना है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने ये बात भी बताई है कि घनसौर क्षेत्र में इस तरीके के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे घनसौर में जिनकी भी तैनाती पिछले समय रही है उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए कि आखिर इस तरीके के वीडियोज़ आने के बाद इस तरीके के अगर आवेदन दिया गया था उसके बाद भी वो भी नामजद दिया गया वाहन के नंबर के साथ दिया गया है कि किस वाहन से गौवंश का परिवहन हो रहा और किस तरह से परिवहन हो रहा और उसमें आप ये भी सुना होगा कि पुलिस के द्वारा अनुमति दी गई लिखित में ले लिया गया है कितनी विडंबना है क्या जो भी गौवंश गए थे वे गौवंश वैध तरीके से गए
थे, अवैध तरीके से गए थे, ये तो शोध का विषय ही बताया माना जा सकता है। पर बहुत गंभीर मामला है, इस मामले की जांच NIA के द्वारा अगर कराई जाए तो उचित होगा, ऐसा लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।